बैंगन पकड़ेगा, मैं बैंगन काटूंगी, बैंगन पकड़ा दे रहा ले, रात में सब्जी काट लिया, तड़के बनाऊंगी, बैंगन पकड़ा दे, मैं खुद दे बैंगन। देख ये महारानी क्या कर रही है, बैंगन दे दो ना, पकड़ा दे, काट लियो, तड़के बना लेंगे। केक हो गया के बैंगन दे, खड़े रसोई में अड़े होंगे, देख रसोई में बैंगन नहीं मिले क्या? अरे दे दो ना बैंगन, अड़े से देखता हूँ, पर वो मथाली में गाल के तरह क्या चक्कू भी गल है। अच्छा बैंगन एक करेले बन गए, देखियो बैंगन एक करेले बन गए, फूल गोभी गल है यार। अभी रात के बज गए हैं 10:30 और मैंने करेले काट दिए, तो करेले इसलिए काटे सुबह से तो बारिश होने लग रही थी, वो नमक मिलाती ना तो उसका पानी बन जाता सारा, अब देखो रात को अब मिला के सब सुबह तक हो जाएंगे नॉर्मल। अरे ढक्कन नहीं खुल रहा रे, हाँ खुल गया। तो भाई सुबह से बच्चे छोटे वाला कॉलेज जाता है, बड़े वाला ऑफिस, तो इनके टिफिन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सुबह सुबह सब्जी क्या बनाए। तो करेलों का तो ऐसे ही है कि रात को काटो और नमक मिलाओ, या दिन में काटो धूप आ रही हो तो धूप में रख दो नमक मिला के, कड़वापन दूर हो जाए। तो आज का मौसम भी अच्छा हो रहा है, सुबह से ही हम सुबह उठे जब बारिश होने लग रही थी, तो इसको भी अच्छे से नमक मिला के सुबह की टेंशन खत्म हो जाएगी। सुबह बनाने के लिए सब्जी मिले, जो सुबह के लिए सब्जी नहीं आती ना, तो सुबह सुबह चाय भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दिमाग के अंदर तो टेंशन घुसी रहे सब्जी की कि क्या सब्जी बनाएगी, क्या मंगाऊं क्या ना। और जिस कभी कभी ये है कि टाइम पे सब्जी आ जाए ना, तो सुबह चाय भी अच्छी लगने लग जाए, चाय भी अच्छी लग जाए, सुबह पीते हैं मजा सा आ जाए पीते। तो जी चलो अब मिला रहे, सुबह तक हो जाएगा ये। तो अगर वीडियो आप लोगों ने अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और आज की वीडियो का कर लेते हैं यहीं पे एंड, और टाटा बाय बाय गुड नाइट, फिर मिलेंगे। और अभी मैं वीडियो देखती हूँ विशाल के बदाम, कहाँ जाने लग गया विशाल है, जिम में राम जी आन हो रहा है कि न बुझ है मेरे देखने वाले ने व्यूअर्स ने, क्या हाल है पीछे नवर? देखो दोस्तों ये है कब्जा। अच्छा कब्जा मारा गेट हाल रहा है, ले आओ देव लगावा, ये की कब्जे में सेट हो जाएगा गेट, ले दे दे तावड़ी सी 1000 रुपए लेंगे एक कब्जे की, और 1000 रुपए पा चलिए कब्जा तो दे पहला आज मैंने लगा दी, देख बोतल में मनी प्लांट ये ऊपर है ना, त्रिजूली ने काट रखी थी मेरी बेल मनी प्लांट की। अच्छा कुछ तो अच्छा काम करती है। हाँ और कित गई लपना, और राम जी आने हो रहे आज फिर घुटन कर रहा है मौसम, राम जी चढ़ा खड़े लीला हो रहा है लीला गच। डालने लग रहा है अपने दादा दादी की रोटी है, और मैं बनाने लग रही हूँ यहाँ पे रोटी, अब वो डालने लग रहा है, और गाले कड़े रखा दादी का, दादी रखी ठीक है, पहले तू खाओगा रोटी। अच्छा तो भाई आज मैंने बनाया है रायता और बैंगन का भरता, ये बनाया मैंने
और आज मैं इतनी जल्दी रोटी क्यों कैसे बनाने लगी भाई, मेरे को आज जाना है प्रोग्राम में, एक फ्रेंड के यहाँ कुत्ते का जन्मदिन है तो उसके उसमें जाना है। और आज हमने जूली को नहला दिया और इसने देखो क्या मचा दिया, पूरे उसने वहां से तो लगा दिया वाइपर और यहाँ तक छोड़ दिया विशाल ने। ये कोई रिपोर्ट का पड़ेगा तो बच जाएंगे कुल्ले है। गिरने वाले हो गए भी आप, क्या होगा गिरने वाले हो गए भी आप। मैं ही पढ़ूंगी, मेरे बजवाओगे तंब भाई है कीर्तन में और अभी शुरू भी नहीं हुआ है। हम आज पहली बार ऐसा हुआ जो हम टाइम से पहले आ गए, क्यों जी राम राम जी, सबने टाइम से पहले नहीं आए, जी टाइम पे आए, दरबार वगैरह सब लगा हुआ है लेकिन प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, घर वाले लेट है आज तो फिर इसका मतलब। और ये देख लो ये लड्डू गोपाल, ये लड्डू गोपाल और ये बहू रानी है, अच्छी लग रही है। छोटे लड्डू गोपाल हमारे आज है इसके इनके बेटे का जन्मदिन। और ये हमारी नारियल जो लगाए ना ये साइड में रखो थाली के लिए जगह बनाओ, राज की बाला हाँ राधे राधे दीदी। और ये नहीं आई है पंडताली, नहीं मेरे भजनों में भी पहली बार आ गया। अरे नमस्ते, हम नए नहीं है, हम पुराने ही हैं। अरे हम पुराने ही हैं क्या बनेगा, कब बनेगा ये मुझे पता नहीं है पर बनेगा जरूर। और कभी भी आप जो भी मेरे ब्लॉग को देखे इस समय मेरी बातें सुन रहे हो आप देखना जरूर, मैं भी ब्लॉग बनाऊंगी। और देखने वाले भाई बादाम खाते रहना, याद रह जाएगा इसका ब्लॉग देखने का। और बादाम खाते रहना, ये बात सही कह रही है मेरी बहन, आप बादाम खाते रहना ताकि आपको मेरा फेस याद रहे। जब मैं ब्लॉग बनाऊं तो आप फटाफट से उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करते हैं, और क्या करते हैं शेयर करें और कमेंट करके बता दिया भाई, और कमेंट करके जरूर बता। अब हम वही है जो आपने बोला था। क्या होया है तैयार भी है, मछली कोनी है साली तू फिर ले आए नहीं, ये है ना गलत लगा रखा है, ये वाला वहाँ पे रखो वो वाला यहाँ पे रखो क्योंकि वो ऊंचा है पंखा, आवाज भी लगता है। हाँ उलट पलट कर दो। जी आरती हो चुकी है और भोग का टाइम आ गया है, भोग लगा रहे हैं सुनीता दीदी के यहाँ और फिर चलेंगे अपना प्रसाद लेके। बिल्कुल खेतों में बना रखे हैं दीदी ने अपना मकान, देखा कितना सुंदर भी और बाहर तक बैठे गर्मी के लिए उसकी कोई हद नहीं, मैं तो अंदर से बाहर निकल आई थी, ये देखो कितनी भीड़ हो रही है, तो मैं सोचा चलो बाहर निकले हम हवा तो लग जाएगी दाए बाएं की, और व्यू देखो कितना मस्त है इधर का।